लोकसभा चुनाव में 8 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटती नजर आ रही है। इस बार का चुनाव कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार कोई नेता अपने गढ़ में ही खुद को सुरक्षित नहीं कह सकता। कांग्रेस वाराणसी में मोदी को घेरने के लिए तैयार है, तो भाजपा अमेठी और रायबरेली में आज बातें कांग्रेस की हैं। सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की 2019 चुनावों को लेकर तैयारियों के बीच ये खबर आई है कि प्रियंका गांधी राजनीति में कदम रखने वाली है और वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हवाले से सूत्रों का कहना है कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, इस बारे में अभी सोनिया गांधी से बात होनी है। उनसे बातचीत के बाद ही किसी तरह का निर्णय लिया जाएगा। दरअसल रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, जिस पर गांधी परिवार का ही सदस्य अब तक चुनाव लड़ता रहा है। इस वक्त रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी हैं, पर खबर है कि वो सीट पर किसी उचित विकल्प की तलाश में है और प्रियंका गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी मां सोनिया और भाई राहुल गांधी के लिए रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार कर चुके हैं और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा अच्छी है। कुछ लोगों को तो लगता है कि प्रियंका गांधी वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी ज्यादा ताकतवर है। कांग्रेस के एक अंदरूनी व्यक्ति के अनुसार ये सच है कि राहुल की प्रियंका पर निर्भरता बढ़ी है। सोनिया के बीमार होने की वजह से उन्होंने कई चीजें छोड़ दी हैं, जिन्हें प्रियंका संभाल रही हैं। कांग्रेस में लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि प्रियंका को सक्रिय राजनीति में आए, इससे 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत की संभावना बढ़ेगी और उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन के दौरान भी प्रियंका मंच के पीछे मौजूद रही और वहीं से महाधिवेशन का कामकाज संभाला। इसके अलावा पार्टी के सभी अहम फैसले भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रियंका सक्रिय राजनीति में आएंगी या नहीं और रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा, ये फैसला गांधी परिवार को करना है, पार्टी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। कई कार्यकर्ता मानते हैं कि उनके राजनीति में आने से कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा और पार्टी की जीत राह आसान हो जाएगी। अब देखना यह है कि रायबरेली से चुनाव कौन लड़ता है, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर वीडियोज।